This video will solve Wampus World problem using our knowledge base agent. और इसमें हमने जो है वो percept sequence को as a knowledge sentence लेना है कि ये हमें sentence by sentence knowledge मिल रहा है from our agent और उस पर हमने फिर deduce करना है. और यहाँ से 1-1 cell से हमने start करना है and our objective is to pick gold and return back. So let's see. सो फर्स्ट हम ये डिफाइन कर चुके हैं जो यहाँ पे जो कीवर्ड्स हम यूज़ करने वाले हैं इन माय प्रीवियस लेक्चर और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा. नाउ यू आर इन सेल ए. अब सेल ए में आप हो तो आपको यहाँ पे जो परसेप्ट सीक्वेंस मिला दैट इज नन नन नन. ना तो इसमें स्टेंच है, ना ब्रीज है, ना ग्लिटर है, ना बम्प है और ना ही स्क्रीम है. सो अब आपने क्या कहा, यहाँ से डिड्यूस किया कि अगर आपने ब्रीज को फील नहीं किया इसका मतलब है कि पिट नहीं हो सकता. ठीक है, आपके एडजेसेंट सेल में पिट नहीं हो सकता. अगर आपने स्टेंच फील नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपके पास एडजेसेंट सेल में वॉम्पस नहीं हो सकता. तो ये दोनों चीज़ें अगर नहीं है हमारे पास तो हमारे सेल्स जो हैं दे आर सेफ. तो उसकी बेसिस पे हमने इन सेल्स को क्या कर दिया, ओके डिक्लेयर कर दिया. सो दीज थ्री सेल्स आर ओके टू विजिट. और ये हमने क्या किया, और फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा पहला सेंटेंस था, हमारा फर्स्ट इनिशियल नॉलेज जो था उस नॉलेज की बेसिस पे हमने दो रिजल्ट्स को डिड्यूस किया. 1-2 एंड 2-1 आर फ्री ऑफ डेंजर. और वो हमने अपने परसेप्ट सीक्वेंस और नॉलेज पे डिसाइड किया. और इसका नॉलेज हम प्रीवियस में वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, अब इससे नेक्स्ट ये होगा कि वी हैव टू विजिट दिस सेल और दिस सेल, इनमें हम जा सकते हैं. सो लेट्स सी, विल मूव टू अनदर सेल. हम नेक्स्ट सेल में चले गए, आपका एजेंट इससे नेक्स्ट सेल में गया और यहाँ पे इसके पास जो परसेप्ट सीक्वेंस आया इसमें ब्रीज आया. और ब्रीज का ये मतलब है कि एडजेसेंट सेल्स में पिट हो सकता है. इसका मतलब है यहाँ पे पिट हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है. यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि डायगनल सेल्स आर नॉट एडजेसेंट. सो यहाँ पे पिट की अक्रेंस हो सकती है या यहाँ की हो सकती है. तो अब वो क्या करेगा, क्या वो इसमें जाएगा इन सेल्स में. ऑब्वियसली आपके पास जो वॉम्पस वर्ल्ड का एनवायरनमेंट और आपका एजेंट जो है वो खाली सेफ जोन में जाता है. तो वो क्या करेगा, यहाँ से वापस आएगा और वो नेक्स्ट सेफ जोन के अंदर, सेफ सेल के अंदर जाएगा और नॉलेज गेन करेगा अबाउट द एनवायरनमेंट. अब ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में पिट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है. लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि शायद इसमें पिट हो आपके पास और इसमें ना हो. ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इसमें पिट हो और इसमें ना हो. लेकिन ये पॉसिबिलिटी आपकी आगे और सेफ जोन्स एक्सप्लोर करने के बाद आप श्योर हो सकते हो. बेस्ड अपॉन दैट सिंगल नॉलेज आप इसे डिड्यूस नहीं कर सकते. सो अब आपने नेक्स्ट किए क्या किया, ये आपने डिडक्शंस कर ली. अब इसके बाद आपने क्या किया कि वो दूसरा सेल जो कि आपके लिए उस वक्त क्या था, एक ओके टू विजिट स्पेस थी, आप वहां गए और वहां पे जो आपको परसेप्ट सीक्वेंस मिला उसमें आपको चेंज मिला. अब जब यहाँ पे थे यहाँ पे ब्रीज मिला था. ब्रीज का ये मतलब है कि यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है, पिट हो सकता है. लेकिन जब आपने दूसरा सेल विजिट किया तो अब यहाँ पे आपको क्या पता चला कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो सकता है, वापस हो सकता है. अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर यहाँ पे हमारे पास वापस होना होता तो यहाँ पे हमें स्ट्रेंच मिला है तो यहाँ पे भी स्ट्रेंच मिलना चाहिए था. लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, इसका मतलब है वापस यहाँ पे तो नहीं हो सकता. अगर यहाँ पे नहीं हो सकता, ये तो पहले से ही सेफ जोन था, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि वॉम्पस जरूर इस सेल में होगा. हमने बेस्ड अपॉन आवर नॉलेज हमने ये डिड्यूस किया कि यहाँ पे वॉम्पस हो सकता है. अब इसी तरह से एक और तरह की परसेप्शन हमें यहाँ से और क्या मिल रही है, वो हमें ये यहाँ पे ब्रीज है, इसका मतलब है कि पिट यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है. लेकिन जब आपने ये सेल विजिट किया तो यहाँ पे तो ब्रीज का आपके पास कोई परसेप्ट नहीं है, यहाँ से तो ब्रीज फील नहीं हुई. अगर यहाँ पे पिट होता तो फिर आपको पता होता जी कि यहाँ पे भी ब्रीज का सिग्नल आता आपको.
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पिट की पॉसिबिलिटी नहीं है, पिट विल बी इन दिस सेल। सो इस एक और सेल से, और आप अपने नॉलेज को, वो जो टेल आस्क एंड टेल का एक मैकेनिज्म था जिसमें आपने क्या किया कि टेल से अपना परसेप्ट बताया और आस्क से रीजन किया, एंड देन अगेन अपना जो आंसर आया वो आपने अपने नॉलेज बेस में स्टोर किया। तो इस सीक्वेंस से क्या हुआ कि आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई कि ये सेल आपका ओके टू विजिट है, इस सेल में वॉम्पस है और इस सेल में पिट है। तो ये दो और चीज़ें डिड्यूस हो कि आपके पास नॉलेज बेस में ऐड हो गई। सो लेट्स मूव इन द सेल और देखते हैं। सो बेस्ड अपॉन दिस हमें ये पता चल गया जो कि अभी हमने डिस्कवर किया कि दिस सेल में ओके, इसका मतलब आपका एजेंट जो यहाँ था नाउ दिस एजेंट कैन मूव टू दिस सेल, वो यहाँ पे जा सकता है। और यहाँ पे बम्पर्स और यहाँ पे पिट आपके नॉलेज बेस में अब ऐड हो चुका हुआ है। ये इतना एरिया आपके एजेंट ने एक्सप्लोर कर लिया हुआ है, उसे इसकी नॉलेज आ चुकी है बेस्ड अपॉन द सिंगल सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव वे में जो हम कर रहे थे वो उसे पता चल गया। सो नेक्स्ट जब वो मूव किया इस सेल में, दैट वाज अ ओके जोन। सो इस ओके जोन में आप अब आपने क्या देखा कि अगर ये जो है ओके जोन है, यहाँ से हमारा जो परसेप्ट सीक्वेंस है वो नन आया, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है, ना स्टिंच था, ना इसके अंदर आप ये कह लो कि ब्रीज था, ना ग्लिटर था, कोई किसी किस्म का इसमें परसेप्ट नहीं था। तो इसका ये मतलब है कि इसके एडजेसेंट सेल्स आर ओके, और इसके एडजेसेंट सेल्स अगर मैं देखूँ, दिस इज एडजेसेंट, दिस इज एडजेसेंट, दिस इज एंड दिस इज, सो ये दो सेल्स तो आप पहले से विजिट कर चुके हो, ठीक है। सो रिमेनिंग आपके पास एक ये सेल बचता है और एक से ये सेल बचता है जो कि आपने ओके डिक्लेयर कर दिया बेस्ड अपॉन परसेप्शन इन दिस सेल। सो लेट्स सी, जैसे ही आप आगे गए, सो आपको इस सेल के अंदर क्या मिला, इस सेल के अंदर आपको ग्लिटर मिला। और अगर आप जो ग्लिटर के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन जो बनाई थी उसमें आप देखो तो जिस सेल में गोल्ड होता है सेम सेल के अंदर क्या होता है, ग्लिटर होता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, क्यों, वो इस वजह से क्योंकि इस सेल में गोल्ड मिल चुका है। और वो अब क्या करेगा, वो वापस सेल 1-1 में आएगा और यहाँ से वो क्विट कर देगा, वो जंप कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे एजेंट ने क्या किया, इस वॉम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वो एक एक स्टेप, एक एक सेल की इंफॉर्मेशन से लेते हुए अपने नॉलेज बेस को अपडेट करते हुए तो उसने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब ये तो एक वर्बल डिस्क्रिप्शन थी, एक परसेप्शन थी जो कि हमने विद आर लॉजिक, विद आर रीजनिंग इन द माइंड हमने वो यूज किया और इस वॉम्पस वर्ल्ड को सॉल्व किया। अब हम इन आवर कमिंग वीडियो लेक्चर सीरीज उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये वॉम्पस वर्ल्ड जो है, जब हम इन्हें इसे जो है वो जो है ये जब प्रपोजिशनल लॉजिक से नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन को सेंटेंसेस में और इसे जो है किस तरह से वो रिप्रेजेंट करेंगे, तो विल बेसिक टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, हम किसी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे होंगे। और ये नॉलेज जो अभी हमने वर्बली डिस्कस किया है, वर्बली रीजन किया है, वी हैव अ लैंग्वेज, हम एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे इस नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपने नॉलेज बेस को बनाने के लिए, उसे अपडेट करने के लिए, उसे इन्फर करने के लिए। ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे कि इन लॉजिकल लैंग्वेज वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगी। तो वी विल टॉक अबाउट दिस इन आवर कमिंग वीडियो लेक्चर सीरीज। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।